दुनिया को लगता है कि इन दोनों की शादी में संजय लीला भंसाली जी का बहुत बड़ा हाथ है। है, है? बिल्कुल। अभी तक इनकी लाइफ एकदम मस्त चल रही है, लेकिन इसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कॉफी विद करण में जाने का। तोबा तोबा तोबा। और करण के साथ कॉफी पीने का मतलब पड़ी लकड़ी अंदर लेना। अभी तो तुमने बोला है वो सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. अभी मैं हंसू की रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई दीपिका हंस रही है बोल के कि मेरे पास पहले 15-20-25 ऑप्शन थे, समझ रहे हो? अभी वो रणवीर सोच रहा होगा साले मेरे साथ मतलब क्या हुआ है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है या मेरा ही गलत इस्तेमाल हो गया यहाँ पे? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और ये देखो इस हराम खोर को दूसरे के घर में आग लगा के क्या कर रहा है? अबे साले खुद का घर नहीं है तेरा बसा हुआ, दूसरे का क्यों उजाड़ रहा है बसा बसाया घर? अच्छा लगता है करण जोहर के साथ कॉफी पीने से अच्छा बंदा जाके स्टारबक्स में पी ले। हाँ थोड़ा खर्चा हो जाएगा लेकिन जिंदगी भर का दुख तो नहीं होगा ना, अब वो जिंदगी भर सोचता रहेगा बंदा रणवीर सिंह। अरे भाई साहब रणवीर सिंह भी अगर ऑप्शन में हो सकता भाई तो फिर हमारा क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि सीधा मुंह पे बोल रही है डायरेक्ट कि मैंने तेरे से पहले 15-20 लोगों में देखा कोई अच्छा मिलेगा तो फिर सोचा नहीं ये ज्यादा अच्छा है। What? अरे क्या समझा भाई तूने रणवीर सिंह को, दल्ला कहीं का कि किसी का भी जूठा पूठा माल खाएगा? अबे वो रणवीर सिंह है। और ये साला एक नंबर का, खुद तो क्या बताओ खुद तो मर्द है नहीं है ये। मैं भी अलग था दूसरे लड़कों से। करण जोहर ने बॉलीवुड बर्बाद कर दिया भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। अभी पता है इसके बाद रोज घर में लड़ाई होगा दीपिका के की। मुझे अपने घर जाना है। फिल्म में मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। भगवान ना करे किसी को ऐसी रानी मिले भाई जो 15-20 को रिजेक्ट करने के बाद तुमको राजा माने, क्योंकि उसके लिए सब राजा थे, ऐसा नहीं है कि कोई सेनापति कोई कुछ, सब राजा थे। अच्छा इस टाइम पे ना मुझे एक थोड़ा सा गाना याद रहा भोजपुरी का कि याद करा जाइया कुंवार रहलू पियावा से पहले हमार रहलू, लेकिन यहाँ पे कौन बोलेगा इसके लिए, क्योंकि एक दो रे तो समझ में आया ना, साला पूरा लाइन था, समझ रहे हो? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते लेकिन पता नहीं इसकी लाइफ में कितने खिलाड़ी थे, दीपिका की एक ही पिच पे पता नहीं कितने लोगों ने बैटिंग की समझ नहीं आ रहा। और आखिर में जो नाबाद खेल रहा बंदा वो है हमार रणवीर सिंह। अच्छा बॉलीवुड का सबसे कूल पर्सन कहे जाने वाला रणवीर सिंह अब भाई क्या करे, वो फूल बन गया, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ धोखा हुआ है कि मैं मतलब अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई करण जोहर की इस हरकत से अब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का डिवोर्स है, कुछ नहीं है। अच्छा क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना भाई तो दीपिका पादुकोण वहीं पे बोल देती करण जोहर को इसको कट करवा, इसको टेलीकास्ट मत होने देना, लेकिन इनकी इच्छा अनुसार इसको पूरा एकदम टेलीकास्ट किया गया, क्योंकि ये भी चाहते थे कि हमारे रिश्ते के बारे में लोगों को पता चले। और वैसे भी अगर रणवीर सिंह इस चीज से अनजान होता ना तो आज ये सच्चाई बाहर नहीं आती। बात सही है। अभी जो रणवीर सिंह इतना रो रहा है यहाँ पे ऐसे करके पूरा आंसू बीसू निकाल रहा है, अभी लोगों को लग रहा है कि यार कितना गलत हुआ बंदे के साथ, इसको तो पता ही नहीं था कितना बिल्कुल बच्चा सा बंदा मासूम बंदा इसके साथ धोखा हो गया। ए भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना शादी के बाद जो फर्स्ट नाइट होती है ना वहाँ पे चीज अंदर जाती है और बातें बाहर आती है, और इधर से तो इतनी बातें बाहर है क्योंकि रणवीर सिंह पूरी रात सोच रहा होगा क्या करूँ भाई मैं, बातें याद रखू कि मैं या फिर काम पे ध्यान दूँ। हमारे यहाँ पे जो पैसे वाले लोग होते हैं ना वो 101 लड़कियों की शादी करवाते हैं ताकि उनको पुण्य मिले, और ये साला अच्छे खासे शादीशुदा जीवन में आग लगा रहा है। मैं तो सच बता रहा हूँ अगर बॉलीवुड में अगर मेरा कोई कॉन्टेक्ट रहता ना कि हाँ आप बॉलीवुड में आ जा सकते हो, मैं जाता बॉलीवुड में करण जोहर को पीट के वापस आता। अच्छा ये बंदा है ना सबको कॉफी विद करण में बुलाता तो है, लेकिन बुला के करता क्या, उनकी पर्सनल लाइफ जानता है भाई, तुम्हारे जीवन में क्या मतलब ऐसे मजा नहीं आ रहा है इसको, है ना थोड़ा घुसना है दूसरों की जिंदगी में। बात सही है। कभी आलिया को बुलाएगा, कभी कालिया को बुलाएगा, कभी लालिया को बुलाएगा, कभी साला रणवीर, कभी रणवीर, पता नहीं किस किस को बुलाता है, और सबको बुला के ये नहीं कि भाई उसको बुलाया स्क्रिप्ट थी उसके हाथ में उसको बता रहे कि भाई ये तुमसे सवाल पूछूं, नहीं उसमें मजा नहीं आ रहा इसको पूछना है। अच्छा रणवीर तुम जब शादी के बाद पहली रात अंदर गए थे तो तुम्हारे साथ कुछ, अबे तेरे को क्या काम है यार, तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या, कुछ धंधा पानी कर नहीं है तो दिहाड़ी मजदूरी कर ले भाई। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हमारे मोहल्ले में चाहे किसी के मोहल्ले में देखो, गांव में जाओ कहीं भी जाओ, औरतें बैठ के पंचायत करती है क्योंकि उनको दूसरे के घर में इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये एक बंदा है जो पूरे बॉलीवुड की पंचायत अकेला करता है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ भाई जो शादीशुदा मर्द है ना बॉलीवुड में वो सारे एक हो जाओ, क्योंकि संगठन में शक्ति, और साले को इतना मारो कि ना इसका नानी पानी याद आ जाए। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ जब विकी कौशल और कैटरीना कभी आएंगे ना फ्यूचर में तो ये पक्का सलमान खान
प्यार की बात निकालेगा उनके बीच में। मैं जानता हूँ साले इसको सब सच्चाई पता है बॉलीवुड की, और पता तो सबको होता है लेकिन लोग छुपते बचते। इसको खोद खोद के चीजें निकालनी है, इसको पता करना है कि दूसरे की लाइफ में कैसे क्या चलता है। अरे बस कर भाई, मैं भगवान कसम खा के रहा हूँ, ये तो यहाँ बैठा होकर वहाँ बैठा होता ना कॉफी विद करण में, तो गर्म कॉफी तेरा मुँह पे फेंक देता, तेरा मुँह नहीं सो जाता। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं तेरे साथ, लेकिन यार मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में संस्कृति के हिसाब से यहाँ तलाक नहीं होना चाहिए, और तू साले क्या कर रहा है कि सबके तलाक करवाने के काम कर रहा है। और अगर तू ऐसे काम करेगा तो भाई जूते खाएगा, वो भी गर्म करके। गर्म करेंगे पहले गैस पे जूता, इसके मुंह पे मारेंगे। लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। वाह 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 मियां वाह, क्या एक्टिंग है, आंखों से गंगा की धार बह रही है। नहीं यहाँ पे कहीं कनेक्शन करवा रखा है कि नलका वलका लगवा रखा है कि इधर से आंसू बिसू निकलने का। इतना सच्चा प्यार तो नहीं है तेरे को जितना तू यहाँ पे दिखा रही है, क्योंकि अगर सच्चा प्यार था तो फिर वो करण जौहर में जाके हगने की जरूरत ही नहीं थी। बात तो सही है। अगर रणबीर को रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री बीटर है, तो कैसे करेंगे, किसको क्या देंगे? प्यारी समझ गई, दोनों ही पलंग तोड़े यार। शाबाश शाबाश, देखो यहीं पे इसने बोल दिया कि भाई नाम में फर्क नहीं है और काम में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों अपने लिए सेम है। दोनों ही पलंग तोड़े यार। मेरे भाई अब तो समझ जाता, तू यहीं समझ जाता है मेरी वाली मेरी नहीं है, मेरी वाली सबकी है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ऑल क्रेडिट टू माय वाइफ। यू करने की जरूरत नहीं है हर जगह, ठीक है ना, हमको वैसे भी मालूम है वो आपकी वाइफ है। ऐसा बता बता के क्या, मेरी वाइफ? अच्छा बता रहे कि मेरी वाइफ है, कोई समझ रहा हो कि उनकी वाइफ है? नहीं नहीं मेरी वाइफ है ये। तो क्या नाचो भाई? दोनों चिपके से बैठे हुए एकदम ऐसे। अरे सोफा बहुत बड़ा है, उधर देखो जगह खाली, वहां चल जा भाई, उधर थोड़ा हो जा। नहीं उधर भेजते ही वो, उसको पता रणवीर सिंह को, जैसे उधर गई कोई उठा के लेके जाएगा इसका अगला वाला। हां ये कर लो पहले। इधर पे हम लोग एक से दो गर्लफ्रेंड को रख लेता है, उसको लोग बोलते हैं अबे कैसा लीचड़ आदमी है यार, इधर इसने 10-15 लोगों को ट्राई किया, इसके लिए कौन सा शब्द बोलूं मेरे समझ नहीं आ रहा। हमारे बिहार में एक डायलॉग है, चाहे तो आदमी कुमार रहे लेकिन मांग छिना रहे। मैं सिंगल रह सकता हूँ, अनमेरिड रह सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ऐसी दिलाऊंगा कि भाई वो सबके लिए हो। जरूरी नहीं है जिंदगी खराब करने के लिए आप टंकी से कूदो, आप पानी में डूब के बढ़ जाओ। नहीं दीपिका जैसी वाइफ से शादी करके भी आप अपनी जिंदगी आराम से झंड कर सकते हो, और उसमें भी अगर खराब नहीं हो रही हो ना तो करण जौहर की एंट्री करवा लो, वो साला जो बचा कुचा ना वो भी खराब कर देगा। बॉलीवुड को पूर्ते से बर्बाद करने में एक इसका इतना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है इसका अकेले का, क्योंकि इसने ऐसे करके हाथ डाला बॉलीवुड में और पूरा बॉलीवुड में जितना अच्छाई थी ना सब खींच के से बाहर निकाल दिया। मजाक मस्ती सब अपनी जगह भाई, हम दिल से किसी का नहीं चाहते कि डाइवोर्स हो। अच्छा भाई अगर मेरा वीडियो कोई देख के सोच रहा हूँ कि डाइवोर्स करवाने जा रहा है बंदा, अरे भाई मैं तो चाहता हूँ घर बसे लोगों का बच्चा बच्ची होए, आगे जाके देश का नाम रोशन करे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और दुआ करना, ऐसे ऐसे करके दुआ करना कि दीपिका पादुकोण और इसका डिवोर्स ना होए और करण जौहर को कीड़े पड़े बड़े बड़े वाले। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय।